कभी भी जो है चेक नहीं करवाते। जब हम पॉसिबल ज्वाइन किए तब जो है हम चेक करवाए पूरा फुल बॉडी चेकअप। तो फुल बॉडी चेकअप में पता चला कि 21 मेरा थायराइड है। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो पहले भी चेक करवाए थे 2-3 साल पहले तो उस समय नहीं था, लेकिन जब इधर जब चेक किए 3 महीने पहले तो जो मेरा थायराइड लेवल लगभग जो है 21 था। तो इसके पीछे रीजन ये था कि हम बाहर, मेरा वर्क बाहर रहता है, बाहर की चीज बहुत ज्यादा खाते थे, समोसा हो गया, चाय बहुत ज्यादा पीते थे, मतलब बाजार की जो भी चीज मिला, पेटी समोसा तेली वो सब चार चीज खाते थे। तो हो सकता है पूरा लाइफ स्टाइल की वजह से मेरा जो है थायराइड लेवल जो है बढ़ गया। फिर उसके बाद जो है पॉसिबल का डाइट फॉलो किए, किस पर कोई दवाई नहीं दी। और फिर उसके बाद जो है मैंने 5 kg वेट कम किया। 5 kg वेट कम करने का फिर हम चेक करवाए तो फिर 21 से सीधे जो है 12 पर आया। मुझे लगा कि वेट और कम करना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने जो है लगभग 10 kg कम करने के बाद फिर थायराइड चेक करवाया, तो उस समय मेरा 7 था। इस तरह से जो हम थायराइड लेवल जो है कम किए, सलाद ज़्यादा लिए और जो डाइट फॉलो जो मैडम जो डाइट चार्ट दी थी वो पूरा फॉलो किए, मतलब बाहर का जितना भी चीज है रिफाइंड का वो सब खाना हम छोड़ दिए थे। दिन में हम 10 कप चाय पीते थे, डेली समोसा खा लेते थे, पेटीज खा लेते थे, मतलब जो भी मिला घर के मतलब पूरा खा लेते थे, लंच नहीं ले जाते थे। इसके कारण मेरा वेट जो है 75 kg हो गया था, 75 kg। और जैसे मेरा घुटना में दर्द होना शुरू हो गया, तो बहुत सारा चीज जो है मतलब डेवलप होना शुरू हो गया। तो शुरू में हमको भी विश्वास था नहीं कि पता नहीं पॉसिबल तो होगा कि नहीं, क्योंकि हम स्वयं ज्वाइन नहीं किए। इसके लिए हम 3-4 महीना तक हम ऑब्जर्व किए, फेसबुक पे पूरा हम ये रिव्यू देखे, उसके बाद मैंने जो है पॉसिबल ज्वाइन किया।